सोमवार को बैसोदा नगर परिषद में बोर्ड बैठक तय समय से 30 मिनट की देरी से शुरू हुई। दो पार्षदों को छोड़कर समस्त पार्षद बैठक का हिस्सा बने। 5 एजेंडों में से 2 एजेंडों पर स्वीकृति रही, वहीं 3 एजेंडों पर और अधिक विचार विमर्श के लिए पार्षदों द्वारा अधिक समय मांगा। कायाकल्प अभियान के तहत सड़क चयन का मामला भी खूब गरमाया, जहां बैठक में मौजूद पार्षद सुमित पड़ेदार ने कहा कि आजादी के बाद से मालीपुरा का रोड बन ही नहीं पाया। नियमों की दुहाई देकर इस रोड को प्राथमिकता न देते हुए अन्य जगह रोड बनवाना, और वो भी उन कॉलोनियों में जो आज तक नगर परिषद के नाम दर्ज नहीं है, यह दोहरी नीति है। विकास के लिए नियम बनाए जाते हैं, नियम पूरे करने के लिए विकास नहीं करते। अगर नियम विकास में उलझन पैदा करे तो उनको संशोधित करने के प्रयास भी जमीनी स्तर से एकजुट होकर किए जा सकते हैं। पार्षद सीमा राकेश यादव ने भी सबसे पहले मालीपुरा का रोड बनवाकर मालीपुरा वासियों को राहत देने की बात कही। यादव ने कहा कि लंबे समय से मालीपुरा वासियों को अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी पार करके कस्बे में आना जाना पड़ता था। रोड के अभाव में जोखिम भरा रास्ता ही आम रास्ता बन गया, जिसको रेलवे द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल बंद करा दिया गया है। मुख्य रास्ता पूरी तरह से जर्जर है, जिसकी हालत बरसात में बद से बदतर हो जाती है। मालीपुरा के रोड को प्राथमिकता न देकर अन्य जगह की सड़कों का निर्माण करवाना मालीपुरा वासियों के साथ अन्याय करने जैसा है। कायाकल्प अभियान के तहत रोड चयन के मामले को लेकर विराम लगने के बाद आगामी बोर्ड बैठक 2 मार्च तक टल गई। अंत में कांग्रेस से नगर परिषद अध्यक्ष उम्मीदवार रहे अंशुल पाटीदार ने राष्ट्रीय पर्व व आयोजनों में राजनीतिक स्तर पर भेदभाव करने के आरोप भी लगाए। बैठक में कार्यवाहक सीएमओ प्रवीण परमार, पार्षद यवंती लाल मीणा, मनोहर सैनी, हेमलता पाटीदार, कृष्णा बागरी, संजय पाटनी, महेश गहलोत व नगर परिषद स्टाफ मौजूद रहा। आपको बता दें कि कायाकल्प के तहत जो रोड 20 वर्ष से पुराना हो और पूरी तरह से खत्म हो चुका हो, वह कम से कम 300 मीटर का हो, उन्हें शामिल किया गया है, जिसके लिए 50 लाख का आवंटन भी हुआ। नगर परिषद के अनुसार मालीपुरा का रोड कायाकल्प योजना के नियमों के मापदंड व बजट के अनुकूल नहीं है, यही कारण है कि नियमों में उलझा है। वहीं दूसरी ओर कायाकल्प के तहत जिन कॉलोनियों में रोड का चयन किया जा रहा, वो नगर परिषद के नाम दर्ज ही नहीं, अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्रवाई पूरी किए बगैर ही विकास कार्य करवाना भी नियम विरुद्ध है। बैसोदा से मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल चौहान। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है, कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाक्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आए अंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें, वो लकड़ी ना हिले उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आए अंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे ऐसे बांधिए। राह दुर्घटना ग्रस्तों को सहायता करने से ना कतराएं, तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है।